वो अपने साथ एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी नई संभावनाएं लेकर आएंगे। पायलट, एयरलाइन क्रू, ग्राउंड स्टाफ, इससे जुड़ा लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे अनेक सेक्टर में नए अवसर क्रिएट किए होंगे। ये सेक्टर देश के छोटे शहरों में रहने वाले युवाओं के लिए भी ड्रीम सेंटर बनने जा रहे हैं। साथियों, भाजपा देश के कोने कोने में वंदे भारत ट्रेनों का भी विस्तार करेगी। देश में वंदे भारत के तीन मॉडल चला करेंगे, वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत चेयर कार और वंदे भारत मेट्रो। इस तीन प्रकार से हम इसको करेंगे। उसी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हम उठाने जा रहे हैं आधुनिक भारत की और विकसित भारत की दिशा में जाने के लिए। आज अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा है और करीब करीब पूर्णता पर पहुंच रहे हैं। उसी प्रकार से बुलेट ट्रेन आज जैसे पश्चिम हिस्से में एक बुलेट ट्रेन काम करने जा रही है। अब भाजपा का संकल्प है आने वाले समय में उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन, दक्षिण भारत में एक बुलेट ट्रेन और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन, वैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम आधुनिकता की तरफ जाने को गति देंगे। इसके लिए सर्वे का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। साथियों, भाजपा का संकल्प पत्र देश को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने वाला है। डिफेंस सेक्टर हो, एडिबल ऑयल हो, एनर्जी इंपोर्ट हो, भारत कब तक दूसरे देशों पर निर्भर रहेगा? आज हम एनर्जी को इंपोर्ट करने के लिए लाखों करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज खर्च करते हैं। इसलिए भाजपा का बहुत बड़ा फोकस ग्रीन एनर्जी और एनर्जी में आत्मनिर्भरता पर है। इसलिए पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, गोवर्धन हो, बायोफ्यूल हो, सभी क्षेत्रों में और अधिक तेजी लाई जाएगी। ये हमें आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से भी देश को सुरक्षा प्रदान करेगा। इससे देश में बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब पैदा होंगे, हरित रोजगार बहुत विस्तार होने वाला है। और जब दुनिया में इतना प्रकार के भांति भांति प्रकार के तनाव चलते हो, तूफान चलते हो, तब ऐसे समय में भारत में एक मजबूत पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार की आवश्यकता अनेक गुना बढ़ जाती है। ऐसी सरकार जो देश को आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनाए, ऐसी सरकार जो देश को विकसित भारत की तरफ तेज गति से ले जाए, और भाजपा इसके लिए संकल्पबद्ध है। आज आपने देखा है कि भाजपा का ये संकल्प पत्र, भाजपा का ये मैनिफेस्टो ऐसी ही एक सरकार की गारंटी देता है। भारत विश्व बंधु के तौर पर मानवता के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा।
साथियों, भारतीय जनता पार्टी देश हित में बड़े और कड़े निर्णय लेने से कभी पीछे नहीं हटती। हमारे लिए दल से बड़ा देश है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है। बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम CAA लेकर आए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। गुड गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस और डेटा गवर्नेंस के लिए देश में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम तैयार किए जाएंगे। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। आपने देखा है कि पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है, मध्यम वर्ग का हक छीनता है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हजारों करोड़ के घोटाले अब बंद हुए हैं। अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सख्त कार्रवाई होती रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मैंने लाल किले से कहा था कि यही समय है, सही समय है। आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत के भविष्य को तय करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है, उत्तम से उत्तम समय है। भाजपा के संकल्प पत्र पर 4 जून के नतीजे के बाद तुरंत तेजी से काम शुरू हो जाएगा। सरकार पहले ही 100 दिन के एक्शन प्लान पर काम करना प्रारंभ कर दिया है।